सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। एक मीटर की दूरी से बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार बच्चों, मैं सरिता यादव, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र। आज कक्षा 11 की नागरिक शास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र के भाग एक, भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार के पहले अध्याय का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला अध्याय है संविधान क्यों और कैसे। बच्चों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमने पहले भाग में क्या क्या पढ़ा है। अब तक हमने जाना संविधान अर्थ एवं परिभाषा, इसके अंतर्गत हमने संविधान क्या है ये जाना, संविधान की परिभाषा को समझा। संविधान का वर्गीकरण के अंतर्गत हमने संविधान के उन आधारों का अध्ययन किया कि किन आधारों पर संविधान को वर्गीकृत किया जा सकता है। संविधान की आवश्यकता एवं भूमिका के अंतर्गत हमने जाना किसी भी देश के लिए संविधान क्यों आवश्यक है और संविधान कौन से प्रमुख कार्य करता है या समाज के प्रति संविधान की क्या भूमिका है। संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान के अंतर्गत हमने संविधान के महत्व को समझा, किस तरह संविधान किसी राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है। अंत में संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा के अंतर्गत हमने जाना कि संविधान द्वारा शासन की समस्त संस्थाओं के बीच शक्ति का संतुलन किस तरह स्थापित किया गया है। बच्चों, जहां पहले भाग में हमारा अध्ययन संविधान क्यों पर केंद्रित था, अर्थात संविधान क्यों किसी देश के लिए ज़रूरी है, वहीं आज भाग दो में हमारा अध्ययन केंद्रित होगा संविधान कैसे, अर्थात संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। इसके अंतर्गत हम जानेंगे संविधान सभा के गठन को और जानेंगे कि संविधान कैसे बना। संविधान सभा के कामकाज की शैली, इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि किस तरह संविधान सभा ने जनता के हित को, देश हित को प्राथमिकता देकर संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, हम संविधान सभा की उन प्रमुख समितियों के बारे में जानेंगे जिन्हें अलग अलग मुद्दों पर प्रावधान का निर्माण करने के लिए गठित किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत एवं उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत हम उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, जानेंगे उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और इनमें किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया था। अंत में हम विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधानों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे भारत के संविधान में दुनिया के अन्य देशों से कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान सभा का गठन, भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा को भारत के विभाजन से पूर्व ही निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बच्चों, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल था जो 3 सदस्यीय था, जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर सदस्य थे। कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का प्रमुख उद्देश्य था भारत में शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता हस्तांतरण कैसे किया जाए, इन उपायों को तलाशना। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था।
कैबिनेट मिशन द्वारा जो प्रमुख प्रस्ताव दिए गए थे उसमें संविधान सभा का गठन प्रमुख था। आइए जानते हैं संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया गया था। प्रांतों एवं देशी रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन। प्रांतों और देशी रियासतों को जनसंख्या के आधार पर सीटें दी गई थी। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। ब्रिटिश प्रांतों को 292, देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई थी और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। सदस्यों के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया गया था। बच्चों, समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन की एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत किसी भी पार्टी को उतने प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट प्राप्त हुए होते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को हम विस्तार से इस पुस्तक के तीसरे अध्याय चुनाव एवं प्रतिनिधित्व में जानेंगे। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था कि देश के बंटवारे के बाद संविधान सभा के वे प्रतिनिधि सदस्य नहीं रह गए थे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। बच्चों, संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। लगभग 82% सीटें कांग्रेस के पास थीं। कांग्रेस ऐसी पार्टी थी आज़ादी के समय जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। अनुसूचित जातियों के भी 28 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत एक गणतंत्र घोषित किया गया था और तभी से प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा के गठन और संविधान के निर्माण को जानने के बाद आगे बढ़ते हैं संविधान सभा के कामकाज की शैली। संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार। बच्चों, संविधान सभा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही साथ उसके विचार विमर्श में देश हित को प्राथमिकता दी गई थी और यही उसकी लोकप्रिय सत्ता का प्रमुख आधार था। संविधान निर्माण के दौरान मतभेद। संविधान निर्माण के दौरान कई मुद्दों पर मतभेद हो जाया करते थे लेकिन व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर शायद ही कभी कोई मतभेद हुआ होगा। मतभेद मुख्यतः सैद्धांतिक आधारों पर थे, जैसे शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, अर्थात शक्ति का केंद्र में नित होना तय किया जाए या शक्तियों को बांटा जाए केंद्र और राज्य के बीच, राज्यों के बीच संबंध कैसे हों इसको लेकर मतभेद था, न्यायपालिका को कितने अधिकार दिए जाएं या न्यायपालिका की शक्तियां क्या होनी चाहिए। इस तरह हम कह सकते हैं उन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया जो आधुनिक राज्य की बुनियाद रखते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार के प्रावधान पर संविधान सभा एकमत। बच्चों, ये अकेला ऐसा प्रावधान था जिस पर संविधान सभा में कोई मतभेद नहीं था और सर्वसम्मति के साथ यह प्रावधान पारित हुआ था। अर्थात वोट का अधिकार किसे मिलना चाहिए इस मुद्दे को वाद विवाद का प्रश्न नहीं माना था संविधान सभा ने और हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का संविधान सभा का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिल सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या है? धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा और आय के आधार पर भेदभाव किए बिना
प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वोट देने का अधिकार होगा। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर जो एक तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में अन्य सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संविधान सभा के कामकाज की शैली को जानने के बाद संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में जान लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई थी। 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली थीं। संविधान सभा में विभिन्न मुद्दों के लिए कई प्रमुख समितियां थीं। यहां हम कुछ प्रमुख समितियों की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी प्रमुख समितियां थीं। संचालन समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। राजेंद्र प्रसाद जी ने ही प्रक्रिया विषयक समिति की भी अध्यक्षता की थी। प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। वहीं प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार पटेल ने ही मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की भी अध्यक्षता की थी। संघ संविधान समिति संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। बच्चों, प्रत्येक समिति अलग अलग मुद्दों पर प्रावधान का प्रारूप तैयार करती थी और उस प्रारूप पर बाद में पूरी संविधान सभा में विस्तार से चर्चा होती थी। संविधान सभा में कई बातों पर सदस्य एक दूसरे से असहमत थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी और कांग्रेस के कड़े आलोचक थे। उनका मानना था गांधी जी ने अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम नहीं किए, प्रयास नहीं किए। पंडित नेहरू और सरदार पटेल भी कई मुद्दों पर अलग राय रखते थे। लेकिन बच्चों, इतने अंतर विरोधों के बावजूद तय किया गया था कि सभी फैसले संविधान सभा में आम राय से किए जाएं और जनता के हित को सर्वोपरि रखा जाए। कोई भी प्रावधान ऐसा ना बनाया जाए जो किसी खास वर्ग के हित को ध्यान में रखकर बन रहा हो। यहाँ स्क्रीन पर आपको संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी एक दूसरे का अभिवादन करते हुए एक तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियों को जानने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत एवं उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा में उन सिद्धांतों को स्वीकार किया गया जो हमें राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त हुए थे। बच्चों, हमारी संविधान सभा बहुत विविधतापूर्ण थी। उसमें अलग अलग वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व था। सभी के विचार अलग अलग थे, लेकिन संविधान में जिन मूल्यों को शामिल किया जाना था उन सिद्धांतों पर संविधान सभा एकमत थी। अर्थात उन सभी मुद्दों पर संविधान सभा की राय एक थी। ये वही सिद्धांत थे जो हमें राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त हुए थे। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन के जिन सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया गया था उन सभी का सारांश हमें उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। अर्थात संप्रभु से अभिप्राय है भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र है। बाहर का कोई नियंत्रण भारत पर नहीं होगा। गणराज्य से अभिप्राय है कि देश के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा होगा, वह वंशानुगत पद नहीं होगा। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं
का एक संघ होगा। तीसरा बिंदु है, संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही भारत के संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संप्रभुता जैसे अन्य सिद्धांतों को शामिल किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव से ही संबंधित है भारत की प्रस्तावना संविधान की। आइए संविधान की प्रस्तावना को एक झलक देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को दर्शाती है। जो उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुओं को इसमें सम्मिलित किया गया है, आइए देखते हैं। प्रस्तावना वास्तव में संविधान का सार होती है। प्रस्तावना की शुरुआत है, हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई। भारत का संविधान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की घोषणा करता है। साथ ही भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार देता है। अंत में भारत के संविधान व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने की बात कहता है। बच्चों, यहाँ पर कुछ मूल्य हैं जिनको समझ लेना ज़रूरी है। प्रभुत्व संपन्न से आशय अभी आपको समझाया है कि भारत बिना किसी बाह्य नियंत्रण के आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा। समाजवादी से आशय है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा और सरकार जनता के हित में लोक कल्याणकारी कार्य करेगी। पंथ निरपेक्ष से आशय है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा और भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होगी। लोकतंत्रात्मक से अभिप्राय है जनता का शासन, लोकतंत्र। गणराज्य से अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा। बच्चों, भारत का संविधान सिर्फ नियमों का संकलन नहीं था, नियमों का संग्रह ही नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनता से किए गए वायदों को पूरा करने की प्रतिबद्धता भी थी। उद्देश्य प्रस्तावों को जानने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय शासन की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने के लिए दुनिया के अन्य देशों से कई प्रावधान स्वीकार किए थे, लेकिन मूल उद्देश्य था देश में लोकतंत्र स्थापित करना और जन कल्याणकारी शासन को स्थापित करना। संविधान निर्माताओं ने अन्य देशों से प्रावधानों को लेने में कोई संकोच नहीं किया, क्योंकि उद्देश्य बहुत बड़ा था। उद्देश्य था भारत के लोगों के लिए सबसे बेहतर संविधान का निर्माण करना। हम कह सकते हैं अन्य देशों से लिए गए प्रावधानों को नकल करना भी कदापि नहीं था यह। अर्थात अन्य देशों से प्रावधानों को लेना नकल भी नहीं था, क्योंकि अन्य देशों के जिन प्रावधानों को भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया उनको भारत की परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया और फिर वो स्वीकार किए गए। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया के देशों के सर्वोत्तम जो प्रावधान थे संविधान के, उनको शामिल करके भारतीय संविधान को और अधिक समृद्ध बनाया और अधिक प्रभावी बनाया। तो आइए जानते हैं कि अन्य देशों से हमने कौन कौन से प्रावधान अपने संविधान में लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश संविधान की। ब्रिटिश संविधान से हमने सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, यह प्रावधान लिया है। अर्थात
चुनाव में जीत उसकी होगी जिसे सबसे ज़्यादा वोट हासिल होंगे। सरकार का संसदीय स्वरूप, भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है जिसका आशय है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और विधायिका से नियंत्रित भी होगी। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होंगे जिनके पास जो नाम मात्र की शक्तियों का उपभोग करेंगे। कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट होगी। कानून के शासन का विचार, भारत में कानून के शासन का विचार भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया जिसका आशय है कि देश में कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, सभी कानून के समक्ष एक समान होंगे और कानून की रक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाएगी। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, यह प्रावधान भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कानून निर्माण की विधि, भारत में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसे भी ब्रिटिश संविधान से स्वीकार किया गया है। आइए जानते हैं अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधानों को लिया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन से आशय है कि न्यायपालिका किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकती है, अर्थात यदि विधायिका द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान की मूल भावना या संविधान के आधारभूत ढांचे के विपरीत हो तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकते हैं, और यह प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व वास्तव में संविधान द्वारा स्थापित किए गए वो आदर्श हैं जो राज्य के सरकार के समक्ष रखे गए हैं। यह एक तरह की नैतिक बाध्यताएं भी हैं। संविधान निर्माताओं ने सरकार से यह अपेक्षा की है कि जब वे अपनी नीतियां बनाएं तो देश में सामाजिक आर्थिक समानता को स्थापित करने को ध्यान में रखकर बनाएं, साथ ही साथ उनकी नीतियां जन कल्याणकारी हों, यह अपेक्षा संविधान द्वारा की गई है। फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत स्वीकार किया है। कनाडा के संविधान से एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, भारत में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है जिसका आशय है कि भारत में शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा गया है, लेकिन भारत की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने शक्तियां केंद्र को ज़्यादा दी हैं, अर्थात अधिक शक्तिशाली केंद्र के साथ संघात्मक प्रावधान स्वीकार किया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत से आशय है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करने के लिए जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इन 3 सूचियों में जिन मामलों का उल्लेख नहीं है उन सभी मामलों पर अंतिम रूप से केंद्र सरकार को, केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होगा और इसे ही अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहा गया। बच्चों, इस तरह विभिन्न देशों के प्रावधानों को लेकर भारत का संविधान का निर्माण किया गया। हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक ऐसा विलक्षण दस्तावेज़ है जिसमें दुनिया के देशों के सर्वोत्तम प्रावधानों को स्वीकार किया गया है, उसे और अधिक समृद्ध और प्रभावी बनाया गया है। साथ ही साथ इस संविधान में जनता की आकांक्षाओं और जनता द्वारा मान्य आधारभूत सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है।
आज भारत का संविधान सफलतापूर्वक अस्तित्व में है, भारत की जनता का उसे आदर और विश्वास दोनों हासिल है। बच्चों, यहाँ पर आज ये भाग समाप्त होता है और साथ ही साथ यह अध्याय भी पूरा हो रहा है। आपने इस पाठ में यह जाना कि संविधान क्या है, उसके अर्थ को समझा, साथ ही साथ ये भी जाना कि संविधान की आवश्यकता किसी देश को क्यों है, संविधान को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, हमने ये भी पढ़ा। हमने संविधान के महत्व को जाना और संविधान कैसे बना, संविधान का निर्माण कैसे हुआ ये जाना, संविधान सभा के गठन, साथ ही साथ संविधान सभा की कामकाज की शैली को समझा और उद्देश्य प्रस्तावों पर चर्चा की, उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे और संविधान में किन मूलभूत सिद्धांतों को शामिल किया गया। अंत में हमने जाना कि भारत के संविधान में अन्य देशों से कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए। बच्चों, आइए एक नज़र डालते हैं अभ्यास कार्यों पर। संविधान सभा के विषय में संक्षेप में लिखिए, उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से किन प्रावधानों को लिया गया है। बच्चों, आज आपको पढ़ाए गए पाठ से संबंधित पाठ्य सामग्री और अभ्यास कार्य दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं। यदि विषय को समझने में कहीं कठिनाई है तो आप अपने विषय अध्यापक से व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से भी उसे स्पष्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा विकसित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।